हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़ा साइज का प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब उसी ऑयल में डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने सरसों ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो। अब डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन का यूज़ किया है। अब हाई फ्लेम में चिकन को कुछ देर तक फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। ऐड करेंगे 2 चम्मच लेमन जूस। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। ऐड करेंगे 1 कप दही। दही का मैंने अच्छे से फेंट कर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को रखेंगे हाई। चिकन अब पानी छोड़ने लगा है। ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। दो चम्मच चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम में चिकन को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ऐड करेंगे काजू और आलमंड का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलमंड और 7 से 8 काजू का पेस्ट डाल दिया है। ऐड करेंगे फ्राई ऑनियन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। ऐड करेंगे मेथी पत्ता। 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 3 से 4 हरा मिर्च। अब ढक के लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 8 से 10 मिनट बाद ढक्कन खोल देंगे। ऐड करेंगे धनिया पत्ता। चिकन रेसिपी अब बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।